हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में आज मैं एक बहुत ही सुंदर घर में आ गया हूं और ऑलरेडी आप यहां पर मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर वॉल पेंटिंग यहां पर कर रखा है। और इसी वॉल पेंटिंग के साथ नीचे जो है एक लाइन से कुछ गमले लगे हुए हैं, और केवल इस साइड में ही नहीं, घर के हम दूसरे साइड में दिखाएं तो यहाँ पर भी बहुत सारे वॉल पेंटिंग हैं और बिल्कुल प्राकृतिक नज़ारों के बीच में सुंदर सा ये गार्डन बहुत ही सुंदर लगता है। और केवल घर के यहाँ पर आंगन में ही नहीं, हम अंदर भी अगर देखें, अगर लॉबी वाला एरिया देखें तो लॉबी में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सुंदर जो है पेंटिंग नज़र आ रहा है। और इसके अलावा घर के बाहरी साइड में भी जो है वॉल पेंटिंग है। तो चलिए, जिनका ये गार्डन है मिलते हैं उनके साथ और देखते हैं आगे का वीडियो उन्हीं के साथ। तो दोस्तों, आज हम जिस घर में आए हुए हैं, भैया और दीदी दोनों ही घर पर मौजूद हैं और दोनों को ही शौक़ है गार्डनिंग का। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपको भी बहुत बहुत हमारा स्वागत है हमारे घर में। तो भैया, मुझे बहुत ही खुशी हुई आज आप घर पर मिल गए, और इससे पहले दीदी के साथ एक वीडियो हमने बनाया था, दीदी ने जिसमें हमें गमला बनाना सिखाया था और बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया। तो बहुत अच्छा लगा आपका ये पूरा, ख़ास तौर से जो वॉल पेंटिंग है ये देख करके। तो ये जो पेंटिंग है ये कब बनवाया था आपने? ये 1 साल हो गया। 1 साल पहले? ठीक। तो ये किसी खास पेंटर से बनवाया? ये मेरा जीजा जी आया था कलकत्ता से, उन्होंने बनवाया। बेटी का शादी में आया था ना। अच्छा अच्छा 15 जनवरी को शादी था। तो भैया, आपसे जो है गार्डनिंग के बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम नीतीश विश्वास है, हमारा घर गाँव बसंतीपुर, रहने वाला उत्तराखंड के। अच्छा, उत्तराखंड बसंतीपुर से हैं। तो ये जो गार्डनिंग का शौक है शुरू से ही था आपको या अभी कुछ सालों में पैदा हुआ? ये 3-4 सालों से ही हुआ। 3-4 साल से ही है। तो कहाँ से ये आइडिया आया था पहली बार की गार्डनिंग का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से देख करके आता है? ये हमारा भाई सब लोग हैं, मैं जिन जिन का मकान बनाता हूँ उनका घर में सब गार्डन ही बना हुआ है। अच्छा, मतलब कंस्ट्रक्शन के काम में आप जुटे हुए हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं जाना रहता ही है, तो उसी से फिर इंस्पिरेशन मिला। और दीदी हैं साथ में हमारे, तो दीदी को आप सब लोग जानते हैं और बहुत सुंदर लग रहा है कि आप दोनों साथ में आज हैं और इस गार्डन को बना रहे हैं। तो दीदी, इससे पहले तो आपका गमला बनाना हम सब लोग देख चुके हैं, तो ये जो गार्डनिंग का शौक है आपको पहले से था या जो भैया हैं उनको पहले से था? मुझे तो पहले से था, लेकिन वैसा हुआ नहीं, फिर धीरे धीरे करके हम दोनों ने मिल के बनाया। अच्छा, तो ये कुल मिलाकर के 4 साल से ही हो रहा है गार्डनिंग? हाँ। और ये जो पेंटिंग है, तो ये पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। 2 साल हुए हैं आपने कहा इसको बनाया? 1 साल। तो ये आपने ही कहा था इस तरह के पेंटिंग बनाने के लिए या उन्होंने खुद अपने मन से बनाया? उन्होंने तो कहा था, तो फिर मैंने कहा खाली तो बैठे हो, फिर बना के दिखाओ कैसा पेंटिंग बनाते हो। अच्छा। हाँ। और बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर, तो मेहमान जब आते हैं यहाँ पर देखते हैं तो कुछ तारीफ वगैरह करते हैं उसकी? हाँ, बहुत करते हैं, और लोग देखने भी आते हैं। लोग देखने भी हाँ। आते हैं, कहते हैं कि मुझे भी बनवाना है उनसे। और बहुत सुंदर लग रहा है घर के चारों ओर, देखिए इस साइड को भी जो है बहुत सुंदर सा पेड़ पौधे यहाँ पर बना हुआ है। तो सब उसी समय का ही पेंटिंग है? हाँ। तो भैया, ये जो वॉल पेंटिंग आपने बनाया है, तो इसमें कौन से तरह के पेंट का यूज़ किया गया है? ये जो गेट पक्का पेंट है, ये पक्का मतलब जो ऑयल पेंट होता है वही। बहुत सुंदर लग रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई भी अगर पेंटर से हम लोग इसके बारे में कहें तो वो भी बना सकते हैं, जो लोग आर्ट ड्राइंग का काम करते हैं, जो आईटी का ये इसी का काम करता है वही बना सकते हैं, वो लोग बना सकते हैं, पेंटर लोग नहीं बना सकता ये। और किनारे किनारे से आपने एक बैट तैयार कर रखा है, तो शुरू से ही ऐसे बना दिया था? हाँ, शुरू से ऐसे बना दिया। तो यहाँ फिलहाल तो मुझे कुछ गेंदे के पौधे नजर आ रहे हैं,
यहाँ लगाया था सब मर गया था ठंड में, ठंड में और थोड़ा बारिश लगातार हुआ तो इस वजह से कुछ मरे हैं। और ये कौन सा पौधा नज़र आ रहा है, धतूरा है क्या ये? ठीक, तो ये कौन सा है, ये ब्लू कलर का फूल है या ये काला धतूरा? अच्छा, थोड़ा सा ब्लैक टाइप में आता है जो, वो वाला है। और इधर मोरपंखी, ये मोरपंखी बहुत सुंदर। और इसके अलावा वॉल पेंटिंग जो है आपने और कहाँ कहाँ बनाया है? अभी वो वहाँ पे है। अच्छा, इधर आगे जो है अंदर भी है कमरे का, बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल मोर बना हुआ है। दुकान का सामने भी है। अच्छा, आपके जो दुकान है तो उसके सामने भी बहुत सुंदर सा है। तो पहले हम इस जगह को थोड़ा सा दिखाएंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और घर के अंदर भी है, ये एक लॉबी है और कुछ कुछ गमले भी जो है यहाँ रखे हुए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर ये जैसीना की ही वैरायटी है, रेड वाला। यहाँ भी अलग जैसीना है और इधर भी आपने लगा रखा है, इसी तरीके से इधर भी है, बहुत सुंदर। तो ये सब पौधे कितने पहले के लगे हुए हैं? ये 6 महीना हो गया। अच्छा, लगभग 6 महीने पहले। और इसमें जो मिट्टी है वो किस तरह से आपने तैयार किया है? ये मिट्टी मुर्गे का खाद है कुछ। अच्छा, जो मुर्गे के जो बीट होती है उसका यूज थोड़ा किया है। और मिट्टी, और मिट्टी और रेत वगैरह मिलाया था इसमें आपने? रेत भी मिलाया था। रेत भी आपने मिलाया है, गोबर की खाद का यूज करते थे। तो दीदी, आप थोड़ा सा आपसे भी बातचीत करते हैं। ये जो अंदर आपने बनाया है बहुत सुंदर सा, और पूरा जैसे फूल खिले हुए हैं यहाँ पर, और ऊपर ऊपर तितलियाँ बनाई हैं। हाँ। तो ऐसा आपने ही कहा था बनाने के लिए? हाँ, मैंने ही कहा था। बहुत सुंदर। और ये बेडरूम है या बैठक है? बेडरूम ही है, बैठक नहीं। अच्छा, दोनों बेडरूम और बैठक दोनों साथ साथ। और यहाँ पर कुछ गमले वगैरह यहाँ भी रख रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? नहीं। तो पानी वगैरह कैसे देना होता है इसमें? थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं इसमें। बाहर ले जा करके या यहीं पर डालते हैं? यहीं पर डालते हैं। अच्छा, तो नीचे नहीं आता पानी? नहीं, वो नीचे ढक्कन लगा हुआ। अच्छा, कुछ ये जो ढक्कन है वो भी आपने लगा दिया है, क्योंकि छोटे से प्लास्टिक का यहाँ पर गमला है। और ये जो छोटे छोटे वेस्ट डिब्बे होते हैं चॉकलेट के, तो उसी के ढक्कन का आपने यूज किया है। तो सभी में देखिए, यानी कि पानी जो है गिरने का चांस नहीं है, और ऐसे भी पानी इंडोर बहुत कम लगता है। तो इसमें कभी धूप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती? नहीं, तो अंदर ही ऐसे चलते रहते हैं। ये लगभग कितना टाइम हुआ अंदर इस तरह से है? वो सब पौधा एक ही साथ लाए हैं। अच्छा, सब एक ही साथ लाए थे। और ये आपका वही हैंडमेड पॉट? हाँ। बहुत अच्छा। तो चलिए, आप थोड़ा सा बाहर भी हम घूमते हैं और छत को देखते हैं। तो छत पर जाने से पहले, यहाँ पर तुलसी मंच है एक, तो ऐसे ही रहता है यहाँ तुलसी? हाँ, यहाँ तो पे ऐसे रहता है। इतने सर्दियों में भी पत्ते इसमें झड़े नहीं है अभी तक, क्या राज है? ये हमारे भक्ति का ही राज है, तुलसी माँ है इस पे। अच्छा, तो ऐसे ही इसको ढकते नहीं है रात को? नहीं, ऐसे ही खुला। और ये हमेशा ऐसे ही रहता है? ये 2 साल का है। और बहुत सुंदर, देखिए तुलसी मंच को कितने ऊंचाई पर बनाया है, आप खुद इसके हाइट से अंदाजा लगा सकते हैं। और सामने से देखिए इस तरह से पूरा। और ये जो नीचे यहाँ पर जगह बनाया है, दिया वगैरह लगाते हैं जब बारिश आती है उस समय, बाकी तो नॉर्मली ऊपर इस तरीके से लगाते हैं। हाँ। बहुत सुंदर। तो दीदी, इस साइड में भी जो है मुझे पौधा दिख रहा है मोरपंख का, तो दोनों साइड में 2 मोरपंख के पौधे हैं। हाँ। और ये जो जीनिया है ये कब का है, पुराना पौधा है या अभी लगाया हाल में? पुराना पौधा है ये। अच्छा, पुराना ही पौधा है। हाँ। और लगातार खिल रहे हैं फूल? हाँ, ये लगातार ही चलता रहता है। और ये क्या, हॉली हॉक है? हाँ। और उसके बाद ये जो है गेंदा वगैरह आपने लगा रखा है? हाँ। अच्छा, इसमें वो जो लाल फूल आते हैं वो वाले हैं? हाँ, वो ही है। हाँ। इसको मैंने कटिंग करके लगाया। और बाकी जो ये गेंदे वगैरह हैं, तो ये खरीदे हुए पौधे हैं क्या? हाँ, ये खरीदे हुए। ये सब खरीदे हुए हैं।
तो कितना पहले लगाया था आपने? ये 1 हफ्ता हो गया लगाया हुआ। अच्छा, अभी मतलब हाल ही में इसको ला करके आपने लगाया है। हाँ, ये भी मैंने घर पे ही बनाया कटिंग करके। अच्छा, इसको घर पे बनाया। हाँ, और ये जो खरीदे हुए हैं तो इनको कितने में लाए थे आप? 20 रुपये करके लाए थे। अच्छा, 20 रुपीज़ में लाए थे। और इसमें भी वही गोबर की खाद का आपने यूज़ किया है इसमें? हाँ, गोबर की खाद, मिट्टी गोबर की और खाद, मिट्टी और रेत मिलाया रेत था। मिलाया। हाँ। बहुत बढ़िया। मतलब कुछ अलग से कोई DAP वगैरह आपने नहीं डाला इसमें? नहीं, अभी कुछ नहीं डाला ना। और इसी में ही चल रहे हैं। हाँ, यहाँ भी बहुत सुंदर सुंदर गेंदे नजर आ रहे हैं। ये कितने पहले के गेंदे हैं? ये 1 महीना हो गया लगभग। अच्छा, 1 महीने पहले आपने इनको लगाया था। तो हाँ ये भी खरीदे हुए ही हैं गेंदे आपके? हाँ, ये खरीदे हैं, जिसमें फूल खिले हैं वो खरीदे हुए हैं, और ये घर पे ही बनाया है अच्छा, मैंने। इधर वाला ये जो है जाफरी का पौधा होगा, ये जाफरी गेंदा जिसको कहते हैं, हाँ तो ये घर का है। हाँ कितने सुंदर सुंदर फूल इस समय खिल रहे हैं गेंदे ये में। भी घर पे ही बनाया है मैंने। अच्छा, ये वाला जाफरी जो है घर का है। हाँ, तो ये लगभग कितने टाइम तक इसमें फूल खिलता रहता है? ये गर्मी तक चल जाता है। गर्मियों तक इसमें खिलते रहेंगे। हाँ, और सब आपने ये देर से आता है ना इस पे फूल, ठीक, इसीलिए। और सब देख रहा हूँ आपने इसमें प्लास्टिक के गमलों का यूज़ कर रखा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती प्लास्टिक के गमलों में? नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसका ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा पानी हो तो पौधा मर जाता है ना, तो इसमें ज़्यादा छेद कर दिया है मैंने नीचे। अच्छा, नीचे ज़्यादा आपने छेद कर दिया हाँ, तो इसीलिए उससे पानी नहीं जमता जाता। नहीं। हाँ, ये जो दीदी जाफरी वगैरह लगा हुआ है, तो ये नर्सरी के हैं या घर के हैं? नहीं, ये नर्सरी से लाया है। नर्सरी से। हाँ, और ये कितने में आ जाता है पौधा? 15-20 रुपए में मिल जाता है। अच्छा, 15-20 रुपए में मिल जाते हैं। और इधर भी आप लेकर के आए हैं जैंथस का पौधा, तो आजकल में हाँ ही लाए हैं इसको? हाँ सब एक साथ लाए। और ये क्या है, डहलिया? हाँ, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या लगा रखा है? यहाँ पर वो मिर्ची, एलोवेरा यही लगा है। अच्छा, एलोवेरा है। ये जो मिर्च के पौधे हैं, तो अब इसमें तो बहुत छोटे छोटे मिर्च भी हैं, बड़े भी हैं। हाँ, ठंड की वजह से ऐसा सिकुड़ गया है। अच्छा, सर्दियों में थोड़ा सा कम बढ़ता है, लेकिन हाँ, सभी में है कुल मिलाकर के मिर्चे। तो ये कितने टाइम पुराना है ये पौधा? ये 2 साल हो गए। 2 साल में इसी बाल्टी में है? हाँ इसका मतलब काफी मिर्च आप यहाँ से तोड़ चुके हैं। हाँ मिर्ची बहुत आता है, गर्मी में ज्यादा मिर्ची आता है। और एक नहीं, कई पौधे यहाँ पर मिर्च के मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये लगा किसमें है एलोवेरा? ये कूलर का जो नीचे का अच्छा, हिस्सा कूलर होता का है ना। नीचे का जो हिस्सा है, हाँ, टैंक जहाँ वहीं पे पानी लगा है। रहता है, हाँ तो उसी का यूज किया। जी, बहुत अच्छा। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ और भी दिखाई दे रही है मुझे। ये क्या धनिया लगा रखा है? हाँ कट्टे पे लगा है। तो पहले भी तोड़ चुके हैं इसमें से? 2 बार तोड़ चुके हैं। अच्छा, ये उसके बाद भी ये होते जा रहे हैं। हाँ और ये मुझे दिखाई दे रहा है कि डिटर्जेंट का पैकेट है, और इसमें भी आपने फूल फूल। लगा दिया है जाफरी का, हाँ, बहुत सुंदर। और पीछे ये क्या है, कौन से पौधे हैं? ये मूली लगाया हुआ है। अरे वाह, तो ये मूली भी डिब्बे वगैरह में ही है या कट्टों में है? कट्टों में नहीं, बाल्टी अच्छा, में है, बाल्टी में है। प्लास्टिक के बाल्टी में। बहुत बढ़िया। देखिए, प्लास्टिक के जितने भी बाल्टी हैं तो सबका यूज़ किया है उन्होंने। ये जो कोई पेंट का डिब्बा है, कोई कुछ और है, अलग अलग बाल्टियाँ हैं, तो मूली आ रही है इसमें। हाँ थोड़ा सा अभी दिखाने की छोटा कोशिश है। करूँगा कि छोटे हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद मूली दिखाई दे रहा है, तो बनना अभी शुरू हुआ है। तो कितने पहले लगाया था इसको आपने? ये थोड़े दिन का है, 1 महीना अभी पूरा हुआ भी नहीं। अच्छा, 1 महीना लगभग हुआ है। हाँ, बहुत सुंदर। देखिए, छत के ऊपर मूली भी हो रहा है, यहाँ भी ये मूली है। और ये लगाया किसमें आपने? तसले में, हाँ प्लास्टिक जो टूटे हुए तसले हैं उसमें आपने लगा दिया। और ये क्या हो रहा है? प्याज लगाया है, अच्छा, प्याज। यहाँ पर प्याज लगाया आपने। हाँ और इसमें ये पालक है, हाँ तो यहाँ से तोड़ करके खाए हैं आपने? खा दिया। हाँ, तो ये पालक वगैरह कितने पहले लगाया था आपने? ये 1 महीना हो गए।
और मिट्टी सब एक ही तरीके से आप तैयार करते हैं? सारे मिट्टी एक ही तरीके से तैयार किया। और यहाँ पर ये क्या लगा दिया है? ये मेथी साग है। अच्छा, मेथी साग। हाँ। तो इसको भी आपने तोड़ा है मुझे लग रहा है, बीच बीच में दिखाई दे रहा है। अच्छा, दो बार तोड़ भी चुके हैं। हाँ। और तोड़ते हैं और फिर नीचे से आ जाते हैं। हाँ। और लगाया भी किसमें है देखिए, ये थर्माकोल का जो वेस्ट बॉक्स है, क्या था इसमें, कप वगैरह था क्या? नहीं, इसमें कौन सा चीज लाया था तो उसको अलग अलग है तो मैंने जोड़ दिया। अच्छा, अलग अलग छोटे छोटे हैं तो उसको जोड़ करके डिब्बा बना दिया। हाँ। और देखिए किस तरह से वेस्ट मटेरियल का यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर ये क्या है? ये आलू है। अच्छा, आलू भी आपने लगा दिया। बहुत बढ़िया, देखिए आलू भी हो रहा है, इसी में मूली भी हो रहे हैं। और इसे कहते हैं शौक की बगिया, तो शौक से ही लगाया सब। हाँ। भले हमें बहुत ज़्यादा इनसे नहीं मिलता, लेकिन एक शौक है, घर में हरियाली बनी रहती है और उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा हमें मिलता है तो उसको खाने का मज़ा कुछ और होता है। और इसमें क्या लगा दिया आपने? इसमें गांठ गोभी है। अच्छा, गांठ गोभी। और कितना पहले लगाया था ये? ये एक महीने हो गया लगाया हुआ। ये भी लगभग एक महीने का है और हाँ, ये भी थर्माकोल की ही पेटी में है। बहुत बढ़िया। और यहाँ कैरेट में भी कुछ बीज वगैरह आपने डाले हैं? हाँ, धनिया है। अच्छा, ये धनिया है। हाँ। ठीक, तो कहीं कहीं एक एक जगह से निकल रहे हैं, थोड़े दिन ही हुए हैं इसको, बारिश में थोड़ा सा नुकसान हुआ है तो कुछ दिन बाद फिर हो जाएंगे। तो ये अंदर अंदर भी धनिया आपने लगाया है? हाँ। बहुत बढ़िया, देखिए डबल यूज, एक तरफ तो जो है गांठ गोभी हो रही है, फिर अंदर धनिया भी है। और इस तरह से अगर मिक्स करके लगाते हैं तो इसका बहुत अच्छा फायदा भी मिलता है। हाँ। और इसमें जो है कीड़े मकोड़ों का जो अटैक है वो भी नहीं होता। यहाँ पर एग्लोनीमा भी हमें दिखाई दे रहा है। और ये पोइंसेटिया लगा दिया आपने? हाँ। तो ये कब लाए थे पौधे? ये भी एक साल हो गया लगा। एक साल हो गया इनको? हाँ। तो ग्रोथ उस हिसाब से कम ही नजर आ रहा है मुझे। हाँ। और ये जो है जो अशोक का पौधा हम कहते हैं वही वाला है? हाँ। ये जो चौड़े चौड़े पत्ते हैं ये कौन सा प्लांट है? ये रबर प्लांट है। अच्छा, रबर प्लांट है। हाँ। बहुत सुंदर, इधर भी एक लगा रखा है आपने। हाँ। ये तो मुझे लग रहा है हाल ही में आप लोग लाए हैं इसको। हाँ। बहुत सुंदर, यहाँ ड्रेसिना का ये एक पौधा है और इधर तो पूरा फिर आपने गेंदे से भर रखा है। हाँ, पूरा गेंदा है। और सब प्लास्टिक में ही है? हाँ, सब प्लास्टिक। देखिए, और ये सारे के सारे पौधे खरीदे हुए हैं आपके? हाँ, ये सारे खरीदे हुए हैं। बहुत सुंदर लग रहा है और इतने सारे, और देखिए सब प्लास्टिक में चल रहे हैं और सभी में अच्छे से ये हो रहे हैं, कोई दिक्कत इनमें नहीं है। तो इन दिनों थोड़ी सी बारिश हुई, मेरे ख्याल से थोड़ा सा नुकसान तो ज़रूर हुआ है। हाँ। पानी लगातार जमा हुआ है। तो आपने अभी अभी इसमें निराई गुड़ाई किया, कोई खास वजह? नहीं, ज़्यादा मिट्टी गीला है ना तो हवा में सूख जाएगा, इसीलिए गुड़ाई कर दी। कि हवा से थोड़ा सा सूख जाता है, तो इस समय अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा गीली हो रही है तो इस तरह से निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं, जिससे कि जल्दी पौधा सूख जाएगा, जो मिट्टी है पौधे की वो सूख जाएगा और पौधा फिर से चलने लगेगा। अच्छा दीदी, जो ये गमले हैं तो ये खुद ही घर पर आप तैयार कर रही हैं? हाँ, इसको मैंने घर पर ही बनाया है। और ये गोल गोल ये क्या बना रहे हैं? ये नया कुछ बना रहे। अच्छा, हो जाएगा तभी पता। हाँ। चलेगा। चलिए, बहुत आज सुंदर ही बनाया इसको मैंने, सुंदर लग रहा है। और इधर देखिए डिजाइनर गमले, जिसका कि वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था, दीदी ने तैयार किया था, तो और भी यहाँ पर बना रही हैं। और ये जो है तसले से भी एक बना दिया, तो बहुत ही सुंदर काम है भैया। यहाँ पर जो है कुछ सब्जी और लगी हुई है, तो ये आपने ही लगाया या दीदी ने लगाया था? ये तुम्हारा दीदी ने लगाया। अच्छा, दीदी ने ही लगाया ये सारा गांठ गोभी है। बहुत बढ़िया। और कब लगाया था आपको तो जरूर पता होगा? एक हफ्ता हो रहा है लगाया ये। एक हफ्ते पहले। और मिर्च भी लगा दिया इसमें? मिर्च भी लगा दिया। और ये जो थर्माकोल की पेटी में मैं देख रहा हूँ इतने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, तो ये पेटियाँ कहाँ से लाते हैं? ये मछली, जो मछली बेचने आता है उनसे खरीद लिया।
अच्छा, घर पर ही आते हैं या जाना पड़ता है? घर पे ही देखे गया था, घर पे ही उनको बोल दिया था ना। और मेरे ख्याल से कोई लेना चाहे तो फिश मार्केट से आराम से मिल सकता है। हाँ, आराम से 40 रुपया का लेता है। हाँ, 50 रुपया का एक पेटी, मतलब 40 से 50 के बीच में ये आ जाता है। और पुरानी होती है सब। और ये क्या लगा रखा है? पालक। अच्छा, पालक को ऐसे लाइन बना करके लगा दिया। तो इसके बीज को भिगाना पड़ता है क्या जब हम लगाते हैं? रात को भिगा के रखो और सुबह लगा दो। अच्छा, और ये जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ये क्या है? ये लाल साग है। अच्छा, लाल साग यानी कि जो लाल चौलाई हम कहते हैं। तो ये तो सूखा बीज खाली आपने बिखेर दिया था? हाँ, बीज बिखेर दिया था। उसके बाद इनको ढकने की जरूरत होती है? ना ना, कुछ कुछ नहीं। और यहाँ पर क्या है? ये मूली है। अच्छा, मूली पूरा इसमें पूरा भर गया है और जम में लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। और देखो मूली सब निकलने लग गए हैं। सब निकलने लग गया। और ये कितने महीने की ग्रोथ है? ये एक महीना हुआ नहीं है। अभी एक महीना नहीं हुआ। और इसी में मुझे लग रहा है कुछ है, आम का एक पौधा लग रहा है। आम का? हाँ, 12 महीने का आम है। 12 मासी आम है तो अभी छोटा है तो मूली भी हो रहा है इसमें। बहुत अच्छा। और किनारे किनारे भी कई गमले और लगे हुए हैं, एलोवेरा वगैरह लगा हुआ है। और इधर क्या है? पेड़ है। अच्छा, ये जो बेल फूल है, बेल फूल या जो चमेली का फूल कहते हैं वो है। गुड़हल अब भी खिल रहे हैं आपके यहाँ? हाँ, मतलब सर्दियों में भी गुड़हल बना हुआ है। और यहाँ तो मुझे लग रहा है ये पालक है। ये पालक, ये भी ऐसे ही ड्रम में ही हो रहा है? हाँ, ये भी ड्रम पे ही है। और ये कौन सा है पौधा बीच में? ये चीकू। अच्छा, चीकू। और उसी ड्रम में ही जो है पालक भी हो रहे हैं, चीकू भी हो रहा है। और ये टमाटर, टमाटर भी हो रहा है। ये काफी वो जो कद्दू। अच्छा, ये कद्दू का भी आपने यहाँ पर चढ़ा दिया। और देखिए ये एक जो नारियल की रस्सी होती है उसके सहारे चढ़ा दिया है। बहुत सुंदर, मतलब एक ही ड्रम में इतना सारा यूज आपने कर दिया। चार चार आइटम यहाँ पर हो रहे हैं और इन्हीं से हम लोगों को आइडिया मिलता है। देखिए यहाँ पर भी फूल के पौधे हो रहे हैं, काफी बड़े बड़े ड्रम है। और ये तैयारी चल रही है मेरे ख्याल से पौधे लगाने की। हाँ, तो ये ठंडी में नहीं लगाएंगे ना, गर्मी में लगाएंगे इसमें। तो सब्जियों के छिलके और मिट्टी मिक्स करके डाल रहे हैं जिससे सड़ करके आगे ये खाद बन जाए। तो अभी तो इसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं। अभी जो गुड़हल है इसका ऑफ सीजन चल रहा है तो कुछ दिनों बाद आना शुरू होंगे। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है चीकू। चीकू, बहुत बढ़िया, चीकू आ भी रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम आया है इसमें? हाँ, ये फर्स्ट टाइम है। एक बड़ा हुआ है, एक दो बड़े हो गए हैं और कुछ कुछ आ रहे हैं। तो ये कितने पहले का है ये पौधा? ये 6 महीना पुराना है। 6 महीने में ही चीकू आ गए? हाँ, पेड़ थोड़ा बड़ा था ना। अच्छा अच्छा, और गमला भी आपने थोड़ा सा बड़ा यूज किया है एक बार में ही। और नीचे यहाँ टमाटर के पौधे भी हो रहे हैं, घाट गोभी भी 3-4 पौधे आपने लगा दिए। और ये सब गुड़हल के पौधे हैं। बहुत बढ़िया, अलग अलग गुड़हल भी है। और इधर सब फूल हो रहे हैं आपके? हाँ, सब फूल है। देखिए एक लाइन से, और अधिकतर सब प्लास्टिक के गमलों का अब तक यूज किया है और मुझे लग रहा है इसके बाद फिर सीमेंट के गमलों से भर जाने वाला है। अब घर में तैयार हो रहा है ना? बिल्कुल, घर में जब दीदी जिस तरह से तैयार कर रही हैं। और ये गुलाब तो बहुत सुंदर लग रहा है, डबल कलर में है, बहुत बढ़िया। और इसमें भी गुलाब भी है, मनी प्लांट भी है। और मनी प्लांट भी है और एक बेल जो मोगरा का है वो भी चल रहा है। तो भैया आपके गार्डन में हम आए और बहुत ही अच्छा लगा आपके घर को देख करके, और लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिला। इन सब के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे घर में आए हो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा घर का वीडियो आप सबको दिखा रहे हो।